इंडियन मार्केट में ये धूम मचाने वाली ये कंपनी कैसे लोगों को बेवकूफ बना रही है। कहीं कस्टमर के अकाउंट से 97,000 रुपीस विड्रॉ हो जा रहे हैं, कहीं ओटीपी का फ्रॉड चल रहा है। लेकिन हर कोई बेवकूफ नहीं होता, ये आपने गलत जगह नंबर मिला दिया, ठीक। और कहीं तो कस्टमर से जबरदस्ती पार्सल दिया जा रहा है। फोन तो ऊपर ही इतना बड़ा दिया भैया, फोन की वो भी नहीं खेले भैया, हमसे मतलब नहीं है, समझ गया ना। ये आपका की आप जानिए, मैं आपके सामने खोलो, वो आपके सामने हम खोले, वीडियो पूरा बन रहा है, मैं नहीं लूंगा बस। लेकिन इतने सारे स्कैम्स कर कौन रहा है? क्यों ये फ्रॉड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे बड़े बड़े कंपनीज नहीं कर रहे हैं? इनके जो स्कैम्स करने का जो चांस है 0.2% है, क्योंकि ये जानती है कि कैसे इनको अपने कस्टमर को ट्रीट करना है, वैल्यू देना है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने कस्टमर को वैल्यू देना तो छोड़ो, उनसे बहसबाजी कर रही हैं। हाँ, मीशो के एजेंट ने मुझसे बहुत ही रूडली बात की थी और उन्होंने क्लियरली मुझे बोल दिया कि ना तो आपका पार्सल रिटर्न होगा, ना ही आपके पैसे रिफंड होंगे। जी हाँ दोस्तों, मीशो की कंपनी काफी ज्यादा हाईलाइट है स्कैम करने के मामले में। चलिए इस वीडियो में कवर करते हैं और आपको बताते हैं कि मीशो की स्कैम्स और इसकी सच्चाई। तो आप आ रहे हो ना मेरे साथ? दो हजार पंद्रह में मीशो इंडियन ई कॉमर्स में पावर रखा था, तो हम लोग सोचे कि यार ये इंडियन कंपनी है, इसे हमें चाय पिलाना चाहिए। मैंने चाय पिलाया। जैसे ही ये कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी, इसकी स्टॉक्स मार्केट ज्यादा तेजी से ग्रो करने लगी, वैसे ही तेजी से स्कैम्स भी बढ़ने लगे। 60% से भी ज्यादा जो इसके कस्टमर्स आते हैं वो छोटे छोटे गांव से आते हैं, छोटे छोटे विलेज से आते हैं। इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो चाहते हैं कि कैसे भी करके वो छोटे छोटे गांव के कस्टमर को जोड़े और चीफ से चीफ क्वालिटी प्रोडक्ट बेचे, जिससे लोगों को सस्ता प्रोडक्ट मिले, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीद पाए। क्योंकि जो मोस्टली यूजर्स हैं मीशो के, वो आते हैं छोटे छोटे गांव जहां पे आपको अनएजुकेटेड पीपल मिलते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल बोल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका प्लान ये है कि लोगों को चीप क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, जिससे उनको रीसेलर को और मीशो कंपनी को प्रॉफिट हो सके। अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, बाय करते हो, मान लो कि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आप रिटर्न करते हो, तो उसे रिटर्न करने का भी पॉलिसी उसमें अलग एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। और उसके बाद आपको वहाँ पे रीसेलर से कंसल्टेंट करना पड़ता है कस्टमर से कि आपको रिफंड दिया जाए, और कई केसेस में आपको रिफंड भी नहीं मिलता है। आप कई घंटे कस्टमर से बात करते हो और लास्ट में आपको जो रिजल्ट मिलता है आपको रिफंड नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि मीशो में 2-3% हर साल ही स्कैम होते हैं, और ये नंबर काफ़ी ज़्यादा आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। क्योंकि जो मीशो के जो एक्टिव यूज़र्स है 167 मिलियन यूज़र्स है, अगर हम लोग किसको डिवाइड करते हैं तो हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर्स में मिलते हैं, लोग जो कि इतने लोगों के साथ ये स्कैम हो रहे हैं हर साल ही। और कहीं ये आप लोग को भी ये प्रोडक्ट चिपका देते हैं और आप वापस इसको रिटर्न भी नहीं करते हो, आप उसे ले लेते हो। इसका जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, सुनने में आपको लगेगा यार काफ़ी बड़ा नंबर है। तो मैं आपको बताता हूँ, 2022 में 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है। बात करते हैं 2023 में, वो नंबर बढ़ जाता है, 60 लाख से भी ज़्यादा लोग के साथ ये स्कैम हो रहा है। और 2024 में 60,50,000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है। ये सुनने के बाद कितना शॉकिंग लग रहा है कि यार इतने लोगों के साथ ये स्कैम हो रहा है एक कंपनी मीशो की वजह से। क्योंकि यार इस पे ब्लाइंडली सब लोग विश्वास कर वो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं, और बाद में जब उनके पास ऐसा रिजल्ट आता है तो यार वीडियो बनाकर शेयर करते हैं कि हमारा ऐसा प्रोडक्ट आया हुआ है मीशो। और ये शायद आप लोग के साथ भी ये स्कैम होता होगा, और मैं आपको कोई स्कैम लिस्ट वाइज बताता हूँ। अब ये वीडियो ध्यान से देख लेना, मैं आपको पहले ही बोला था कि आप लोग आ रहे हो ना मेरे साथ। स्कैम नंबर वन, एक बार बनारस में रहने वाला एक आदमी टी शर्ट ऑर्डर करता है मीशो से, और पार्सल आने के बाद उसके मोबाइल पे ओटीपी आता है और वो ओटीपी उसको बता देता है। आमतौर पे तो ये नॉर्मल ओटीपी आता है, लेकिन यार पेमेंट करने का ऑप्शन कुछ अलग था। उसने पेमेंट का एक लिंक भेजा उसके व्हाट्सएप पे, और वो व्हाट्सएप पे क्लिक करके पेमेंट किया और डायरेक्ट वो पैसा उसके अकाउंट से सारे पैसे खत्म हो गए। 97,000 रुपीज उसके अकाउंट से कट जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसके अकाउंट से इतने पैसे कटे। हाँ बाद में वो कंप्लेन करता है, बट उससे ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। और ऐसे बहुत सारे केसेस इंडिया में जो कि यार उसको छुपा दिया जाता है। स्कैम नंबर टू, अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो पहले आप लोग उसके पिक्चर्स फोटोज देखते हो, उसके बाद आप रेटिंग देखते हो, देन उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हो। लेकिन इसमें कुछ अलग है, जो आपका फोटोज है और रेटिंग है वो फेक होता है, जिसकी वजह से आप ऑर्डर कर लेते हो, जब डिलीवरी बॉय आपके पास ये लेकर आता है तो आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ स्कैम हुआ है, लेकिन वो पहले से ही आपके साथ ये स्कैम ऐप पे ही हो रहा था। ये स्कैम यार आमतौर पे आपको
आपको बहुत ही ज्यादा मिल जाता है ऐप। स्कैम नंबर 3 और ये आखिरी स्कैम मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान से देख लो स्कैम के बारे में। कई बार तो स्कैमर्स आपके घर तक आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप एक कार और लाखों का कैश, फिर आपको स्कैमर्स बोलते हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर या आधार कार्ड नंबर दे और फिंगरप्रिंट लगाए, जिसके वजह से आप जब ये करते हो मेथड उसके बाद आपसे अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है। और ये मैं ऐसे फेक में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ सारा लिंक्स, आप लोग न्यूज़ पढ़ लो, ये सारे न्यूज़ रियल है, मैं कोई फेक न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ। और ये शायद और ये मैं इसलिए मैं अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग ये समझ सको कि ये मीशो जैसे कंपनीज बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स करती हैं, स्कैम करने का जो रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई है इस कंपनी का। और बाकी सब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मिंत्रा जैसे ऐप हो गए, उसमें रेट आपको पहले ही मैं बता दें 0.2% का जो रेट है बहुत ही कम है, लेकिन मीशो में बहुत ही बड़ा नंबर ये आता है और ये इससे स्कैम्स ज़्यादा फैल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्कैम से आप लोग बचते रहो और बी सेफ बी अलर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय।